प्रयागराज हंडिया तहसील अंतर्गत सराय ममरे क्षेत्र के गोठावा गांव में दबंगों द्वारा फलदार हरा आम का पेड़ काटा गया और न ही कोई कार्रवाई हुई। वहीं पत्रकारों से बातचीत के दौरान गोठावा गांव के दूधनाथ मौर्य पिता स्वर्गीय हीरालाल मौर्य ने बताया कि पारिवारिक बंटवारा में हमारी पुष्टेनी जमीन पर हरा आम का पेड़ है, जो कि सुशील कुमार मौर्य, अजय कुमार मौर्य पुत्र गण एवं प्रकाश मौर्य पर काटने का आरोप लगाते हुए हमारे घर के पास हरा आम का पेड़ था, जो कि 12/9/2024 को कटर मशीन द्वारा सुशील कुमार, अजय कुमार पुत्र गण एवं प्रकाश ने जबरन काट दिया। वहीं दूधनाथ मौर्य ने यह भी कहा कि जब मैं रोकने गया तो मुझे भद्दी भद्दी गाली देते हुए दौड़ा लिया और कहा कि अगर यहाँ दिखाई पड़े तो जान से मार देंगे, और तब मैं 112 पर डायल किया तो 112 मौके पर आई और फोटो और वीडियो बनाकर विपक्षी सुशील कुमार, अजय कुमार पुत्र ओम प्रकाश मौर्य को मना करके चली गई, पर वो लोग नहीं माने। तब हमने 1076 पर कंप्लेंट किया तो वन विभाग के अधिकारी 14/9/2024 को मौके पर आकर फोटो वीडियो बनाकर चले गए और कोई कार्रवाई नहीं की। तब हमने थाना सराय ममरेज में लिखे तहरीर दी, परंतु अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। वहीं पत्रकारों ने विपक्षी अजय कुमार मौर्य ने बताया कि हमारा भी है और दूधनाथ मौर्य का भी है, उन्हीं के कहने पर हमने एसडीएम के यहां से आदेश लेकर वन विभाग से भी आदेश लेकर कटवाया है, और वो जो आरोप लगा रहे वो सरासर गलत है। कहीं ना कहीं ये जांच का विषय है और अब देखना यह है कि प्रशासन इसमें क्या कार्रवाई करती है। प्रयागराज से राजेश शुक्ला की रिपोर्ट। जो रास्ता है बंटवारा मिला था, इसके बाद वो हड़प उठा कर लिया, बांधी करवा लिया। उसके बाद जब मेरे ससुर मना करने गए तो उसे धमकी दे रहे हैं और मुझे भी धमकी दे रहे हैं। मेरे गाय हवता सब हटा दिए, हटा के फेंक दिए। और मैं बोल रहा, जब भी कह रहा था कि तुम ज़्यादा बोलोगे तुम्हें मारेंगे, और मुझे झूठो मार कह रहा था, गाली दे रही है तुम, और सब गाली भी नहीं दे रहे थे। वही सुशील मास्टर, अजय और विवेक और ओम प्रकाश। और इसके बाद वो बाद में तो फिर ले गए, तो फिर हम गए वहाँ वीडियो बनाए, तब भी मुझे बोल रहा था अपना हौदा हटा लो, ये कर लो वो कर लो, नहीं मारेंगे तुम्हारे आदमी आएंगे तो इन्हें जान से मार डालेंगे, तुम्हारे ससुर को मार डालेंगे। हमें भी धमकी दे, जब वहाँ झाड़ू पोछा था करने जाते हमें भी धमकी देता है मारने इतने का। मीना देवी मौर्य गाँव दूधनाथ मौर्य ने जो आरोप लगाया है वो आम का पेड़ हमारा है और उनका है, दोनों लोग का साझे में है, और जो कि उनके न्यूज के पास है वो बोल रहे थे कि आप जो है आम का पेड़ कटवा लीजिए, हमारी न्यूज जो है फट रही है। तो मैंने जब आम का पेड़ कटवाया तो वो जाके जो है वन विभाग पास अप्लीकेशन दे दिए, जो कि उन्होंने कहा था, और हमारे घर में भी जो है पेड़ की जो डाली थी घर में आया था, हमें छत डालना था, मैंने परमिशन लेकर कटवाया है, मैंने वैसे नहीं कटवाया हूँ। अच्छा। और वो कहे थे कटवाने के लिए, फिर भी जो है एप्लीकेशन जाके दे दिए। अच्छा। और वो ये भी कह रहे हैं कि वो उनके जो है जमीन को जो भी आपके द्वारा कब्जा किया। जमीन तो उनकी नहीं है, जमीन तो हमारी है। अच्छा अच्छा ठीक है, जमीन हमारी है, और यही बोल रहे थे कि भाई हमारी जो है फट रही है और आप जो कटवा लीजिए, मैं कुछ नहीं करूँगा। और मैंने जो है एप्लीकेशन के द्वारा परमिशन लेके पेड़ को कटवाया है, मेरे दीवार के अंदर से थी, छत पे था, इसलिए मैंने कटवा दिया। सोमनाथ जी कह रहे हैं कि आने जाने के लिए रास्ता